तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है, या किसी प्रकार की भी समस्या असिस्टेंट और गाइडेंस या वन टू वन इंटरेक्शन के लिए, आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर विथ योर नेम एंड योर ईयर, आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल साइंस का, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, वो यानी कि वर्ष 2023 का जो प्रश्न पत्र है आपका, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके फिजिकल साइंस से जो आता है, आपको ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन और ज़्यादातर टाइम तो आपको मिलेंगे कि रिपीटेड ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन पहले आए उनको ज़रूर आपको सॉल्व करना चाहिए। तो वर्ष 2023 का पेपर ले रहे हैं हम, और यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ऑब्वियसली जब आप पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंस पता होना चाहिए। चाहे आप पेडागोजी, आप सोशल साइंस पढ़े, होम साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, बायोलॉजिकल साइंस पढ़े, या किसी भी विषय को, तो आखिर उसका महत्व आपको तो पता होना चाहिए। तो अगर इसे शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना है या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना है, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं वो मैंने एक यहाँ पर उदाहरण दिया है, आप इससे और भी बेहतर तरीके से डेफिनेटली लिखने की प्रयास करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारी प्राकृतिक दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। आप इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा, भौतिक विज्ञान ये जो विषय है ना, इसके अंतर्गत हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। यहाँ पर हम जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जिसे हम अणु बोलते हैं, यानी कि एटम्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वहाँ से लेकर हम विशाल जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स, स्पेस जो है, उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह तकनीकी उन्नति और वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखता है, क्योंकि हम यहाँ छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो हम एक नई चीज़, नई बिल्कुल सोच का विकास करते हैं, कुछ नया बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो भौतिक विज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक विज्ञान हमें हमारे आसपास में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में समझने में मदद करती हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को समझने में मदद करती है। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की, इसके महत्व की, तो हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान ब्रह्मांड के बारे में हमारा जो ज्ञान है उसका विस्तार करता है, और जो नई नई प्रौद्योगिकियाँ आती हैं उनको हमें समझने में, उनको इस्तेमाल करने में, और उनको हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारे समाज को लाभ मिलता है, हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलता है, और हमारा जो एक अच्छा जीवन जीने का उद्देश्य होता है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान हमें बहुत मदद करता है। साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की विरासत को ध्यान में रखते हुए शिक्षण और अनुसंधान भौतिकी विज्ञान विभाग का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि शिक्षण में, अनुसंधान यानी कि रिसर्च एक्टिविटी में भी आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी भौतिक विज्ञान के माध्यम से जो सिद्धांत है, जो नए नए आविष्कार होते हैं, उनका हम आगे आने वाली खोजों में, आगे आने वाली पढ़ाई लिखाई में, आगे आने वाले तथ्यों को जानने में, बेहतर तरीके से समझने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बौद्धिक विकास में निर्णय क्षमता को बेहतर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, और ये हमें अपने आसपास के पूरे सृष्टि को समझने में मदद करता है। तो आप इसे इस तरह से नोट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। इसके साथ यही कंटेंट मैंने इंग्लिश में भी आपके लिए रखा है, जस्ट 70 वर्ड्स में, ताकि आपका जो 50 वर्ड्स का कंटेंट रहता है वो आप इतना लिख सकते हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, टोटल आपका ये 70 वर्ड का होगा, ठीक है। इस तरह अगला एक प्रश्न और ले लेते हैं, नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल साइंस, आधुनिक भौतिक विज्ञान की प्रकृति, यानी कि कोई भी विषय जो पढ़ते हैं उसकी प्रकृति क्या, यानी कि कैसा होता है वो। तो आप देखेंगे कि अगर आप सारांश पे लिखना है दो नंबर के हिसाब से, तो हम लिख सकते हैं कि जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है वो हमारे आसपास की संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन करता है, और पदार्थों के विभिन्न गुणों के साथ साथ जो ऊर्जा है, जो आप समझिएगा कि जो एनर्जी है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्य रूप से हमारे आसपास में जो
ऊर्जा है, जो गर्मी के स्रोत हैं, जो यांत्रिकी है यानी जो मशीनरीज हैं, आपकी साउंड के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बारे में, लाइट प्रकाश के विकिरण के साथ साथ जो अन्य उसके गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करते, साथ ही परमाणुओं और अणुओं की संरचना के विषय में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। मात्र यही पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये तो दो नंबर के प्रश्न के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। इसका सेम कॉन्टेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको पढ़िए। एक और प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। जनरल एम्स ऑफ फिजिकल साइंस, देखिए भौतिक विज्ञान के कुछ सामान्य से उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान जो है हमें हमारे आसपास की जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं होती हैं उनको समझने में मदद करता है। दूसरा, हमारे अंदर महत्वपूर्ण तरीके यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, सोचने में मदद करता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं आपके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। टीचिंग एड क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि ऐसी कोई भी सामग्री जो शिक्षण की प्रक्रिया में सहायक हो, मदद करती हो, उसे हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है? ये शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाले साधन होते हैं। इनके मदद से हम विभिन्न तरीकों से छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री जो है, शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर तरीके से ध्यानपूर्वक और उनका विषय में रुचि बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। जो अलग अलग प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, चार्ट, पुस्तकें, फील्ड ट्रिप, ऑडियो विजुअल, एनिमेशन, क्विज गेम्स, ये बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसे अगर बेहतर बनाता है, बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, रोचक बनाता है, तो आप कह सकते हैं कि यह एक शिक्षण सहायक सामग्री होता है। और इससे पूरी शिक्षण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, क्योंकि शिक्षक अपनी बात को बेहतर तरीके से बता पाता है और छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से अलग अलग तरीके से जब चीज़ों को सुनता है, देखता है, सीखता है, तो उसे सीखने में भी आसानी मिलती है। एक और प्रश्न लेंगे यहाँ पे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, क्योंकि प्रश्न दो नंबर का है तो उसी हिसाब से उत्तर भी बता रहा हूँ कि किसी भी प्रश्नीकरण कौशल के जो प्रमुख घटक है उसमें होता है शामिल स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप जो है प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से यानी कि क्वेश्चनिंग करते हैं यानी किसी से क्वेश्चनिंग करें, चाहे वो पढ़ाने के लिए या उनसे कोई जानकारी लेने के लिए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रासंगिकता, आप जिस प्रश्न को कर रहे हो उसका कोई अर्थ होना चाहिए, उससे जिस विषय के बारे में हम जानना चाहते हैं उससे वो जुड़ा हुआ प्रश्न होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे के गणित में उसकी क्या कौशल है, गणित के बारे में उसका की क्या जानकारी है, गणित में वो कितना अच्छा है, अगर ये जानना चाहते हो तो आप उससे गणित से संबंधित ही प्रश्न पूछे, ना कि आप उससे विज्ञान से संबंधित प्रश्न या फिर उसकी हैंडराइटिंग की जांच करें या वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकता है इसकी जांच करें। अगर आप उसको गणित की जांच करनी है तो आप उसे गणित के कुछ प्रश्न दीजिए और हल करने को दीजिए, उससे आप उसकी जो है जांच कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रासंगिक होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए बना है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरा, समय, ज़्यादा समय लगाने वाला ना हो, समय अनुरूप होना चाहिए यानी कि एक निश्चित समय में जो है उसका उत्तर मिल जाए या निश्चित समय में उस चीज़ का उत्तर दिया जा सके, ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महत्वपूर्ण सोच को विकसित करने वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रश्नकरण कौशल से आपको इस बात को सुनिश्चित करना कि छात्र की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित हो। प्रश्न ऐसे हों कि छात्र के अंदर वो रुचि उत्पन्न करे और छात्र जो है एनकरेज हो, वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मोटिवेट हो, पार्टिसिपेट करे। अगर वो एग्जैक्टली उत्तर नहीं जानते तो कम से कम अपनी तरफ से प्रयास करें, ढूंढे, पता लगाएं, ताकि वो रोचक बने प्रक्रिया आपकी।